टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लड़की का मोबाइल हैक करके उसे अश्लील मैसेज भेजने वाले लड़के को मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंब्रा के आनंद कोलीवाड़ा की रहने वाली 19 साल की शहर नाम की लड़की ने मुंब्रा पुलिस में 2 जून 2021 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे इंटरनेट द्वारा लिंक भेजकर व्हाट्सएप पे कोई अश्लील फोटो और टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है। इस पूरे मामले की जांच मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक गीता राम लक्ष्मण शेवाले ने शुरू कर दी और थाने साइबर क्राइम की मदद से आरोपी जीतू केवट को नवी मुंबई के घनसोली से गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर ने बताया लड़का भले ही जान पहचान का था मगर उसने 2 अलग अलग मोबाइल से मैसेज करके उन्हें परेशान कर दिया था और ये मैसेज कौन भेज रहा था इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। इस दौरान शहर ने मैसेज करने वाले को मना भी किया मगर उसने शहर का मोबाइल फोन ही हैक कर लिया और शहर को अश्लील मैसेज और टेक्स्ट मैसेज भेजता रहा। शहर ने मोबाइल का नंबर बदली कर दिया, मोबाइल भी बदल दिया मगर मोबाइल हैक होने की वजह से शहर के सारे कॉन्टेक्ट नंबर उस हैकर को मिल गए थे, जिसके बाद उसने शहर के रिश्तेदारों को मैसेज कॉल करना शुरू कर दिया। करीब 1 साल से परेशान होकर शहर ने जान देने की भी कोशिश की मगर किसी तरह से परिवार के लोगों ने उन्हें बचा लिया। रेडी सब लोग? क्या नाम है आपका? शहर। आपने जो मामला दर्ज कराया था पुलिस स्टेशन में हरेसमेंट को लेकर, क्या मामला था ये पूरा और कितने दिनों से आपको ये लड़का जो है परेशान कर रहा है? मेरा जो केस था वो ऑनलाइन हरेसमेंट का था और मैं इससे करीब 1.5 साल से मैं सफ़र कर रही हूँ। मतलब कोई मेरे पहचान वाला था जो मुझसे अननोन बन के मुझे परेशान कर रहा था। वो मुझे हर जगह से मुझे कॉल करता था, मैसेज करता था। उसने मेरा फ़ोन तक हैक कर लिया था जिसकी वजह से उसके पास मेरे सारी डिटेल्स थी, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स थे, मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। मैंने अपना फ़ोन चेंज किया, सिम कार्ड चेंज किया, मैंने अपने खुद को हर जगह से मैंने हटा दिया, हर सोशल प्लेटफॉर्म से, यहाँ तक कि मैंने फ़ोन यूज़ करना भी मैंने बंद कर दिया। लेकिन वो रुका नहीं, उसने बहुत मुझे परेशान किया, मुझे कॉल्स किए, मैसेज किए, मुझे मेल्स किए, MMS किए, मुझे इतनी गंदी गंदी फ़ोटोज़ और वीडियोस बना के भेजी है, मुझे ब्लैकमेल किया है कि वो मेरे वीडियोस बना के, मेरे MMS बना के वायरल करेगा अगर मैंने उसकी बातें नहीं मानी तो। वो मुझे हमेशा ब्लैकमेल करता था कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बनना है, उसको भाव करना है, उसको भाव देना है, सबको छोड़ के किसी से बात नहीं करनी है, बस उसी के साथ रहना है और उसको अपनी फ़ोटोज़ तस्वीरें भेजनी है। तो किस तरह के वो फोटो और वीडियो वगैरह कैसा भेजता था? आपसे संबंधित भेजता था या वो अपने तरफ से बना के भेजता था? नहीं, वो अपने बना के भेजता था क्योंकि उसके पास जब उसने मेरा फ़ोन हैक किया तो उसके पास मेरा कोई फ़ोटो नहीं गया। जैसा उसको फ़ोटो चाहिए था मेरा, जैसे उसको वीडियोस चाहिए थे, उसको वो नहीं मिले। तो वो मुझे बोलता था कि मुझे जो चाहिए वो तुझसे मिला नहीं तो तू मुझे भेज, अगर तूने नहीं भेजा तो मैं खुद से बना के तेरे पूरे घर वालों को भेजूंगा। और उसने ये किया भी। जब मैंने उसके बाद जब मैंने अपना फ़ोन बंद किया, मैंने जब खुद को हर जगह से हटा दिया, तो उसने मेरी बहन को करना स्टार्ट किया। उसने मेरी बहन के नंबर पे वही सेम हरकत की, उसको मैसेज किए, उसको कॉल्स किए, मैसेज किए, उसको इतना ज़्यादा उसको मेंटली डिप्रेस किया, इतना ज़्यादा मेंटली डिप्रेस उसने मुझे किया और उसको गंदी गंदी फोटो उसे मिल गया था क्या? नहीं, उसको मेरा फ़ोटो नहीं मिला था। वो दूसरी जो होती है ब्लू फिल्म्स होती है, पॉर्न साइट्स होती है, उसने वहाँ से उसने वीडियोज़ उठा के, फ़ोटोज़ उठा के उसने मुझे फॉरवर्ड किया और मुझे ये धमकी देता था कि देख ये जो भी है ना लड़की का फेस हटा के मैं तेरा फेस लगाऊंगा। लेकिन उसके पास मेरी फ़ोटोज़ नहीं थी क्योंकि मेरे फ़ोन में मेरी कुछ ज़्यादा फ़ोटोज़ थी नहीं, सिर्फ मेरे नंबर्स थे और मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो हमेशा उसी बात को लेकर ब्लैकमेल करता था। उसने पूरे मेरे खानदान वालों तक को उसने नहीं छोड़ा, उसने मेरे भाइयों को, मेरे जो चाचा है, मेरे जो भी घर में बड़े हैं, जो भी गुजरात में रिलेटिव्स है, उसने सबको गंदी फ़ोटोज़ भेजी, गंदी वीडियोज़ भेजी और कहा उनसे कि वो मैं हूँ। उसने हर जगह मुझे डिफेम किया, मुझे मेरा नाम इतना ख़राब किया कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मेरे यहाँ तक कि मुझे अपना जॉब भी छोड़ना पड़ गया, मुझे अपने जॉब से भी मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि उसने मुझे इतनी बदनामी की। मेरे कलीग्स को उसने इतना परेशान किया, उनसे इतनी गंदी गंदी हरकतें की, इतनी बातें की कि सब मुझसे तंग आ गए थे। फिर उसके बाद मुझे फिर ठीक लगा, मुझे जाना है और मुझे कंप्लेंट करना है क्योंकि अगर आज
मैंने अगर अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अगर आज मैं अपने लिए नहीं लड़ी तो फिर कोई मेरा सपोर्ट नहीं करेगा, कोई मुझे हेल्प नहीं करेगा। तो मैं आई मुंब्रा पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई और मैंने यहाँ पे कंप्लेंट किया। मुझे नहीं पता था कि मुझे जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर मेरा काम था खड़ा होना, मेरा काम था आके कंप्लेंट करना, फर्स्ट स्टेप लेना। देन मुझे फिर बहुत अच्छे दो लोग मिले, शादाब अंकल और इमरान भाई, और एक सर थे बालाजी काकड़े सर, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया और वहाँ से लेके अब तक उन्होंने मेरा साथ दिया। लड़की के साथ जिस तरह से मैसेज जो शख्स कर रहा था, हमारी लड़की के साथ गिरफ्तार है, हमारी लड़की को बहुत उसने परेशान किया, लड़की को तो किया और साथ में हमको भी करता था, रात के दो दो बजे फ़ोन करता था, हमारा आदमी बीमार थे उनको फ़ोन करके हैरान करता था, हमको करता था, उसकी वजह से हम डिप्रेशन में आ गए थे, हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतना परेशान किया। आज हमको ये दो लोग की वजह से, शादाब भाई इमरान की वजह से इंसाफ मिला है, हम उसके लिए बहुत खुश हैं और हमको इंसाफ मिलना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसको बेल नहीं मिलेगी, हमको खतरा है कि उसको बेल मिलने के बाद वो हमारे पे कुछ भी कर सकता है, उसका हमको डर है, उसका हमको इंसाफ चाहिए। वही मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक शेवाले ने तत्परता से इस मामले की जाँच पड़ताल की और नवी मुंबई के घनसोली से जीतू केवट को गिरफ्तार किया, जो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन भी हासिल कर चुका है। एक लड़की का मामला दर्ज हुआ है और जो आरोपी गिरफ्तार किया गया, दरअसल ये पूरा मामला है क्या, जिस तरह से लड़की ने कुछ मैसेजेस को लेकर आरोप लगाया है, तो ये कहां से आरोपी गिरफ्तार हुआ है और क्या नाम है? 2 जून 2021 एक लेडी 19 साल की एक लड़की है, उसने चौकी में आकर कंप्लेंट दिया था कि कोई एक अनजान व्यक्ति उसको उसके मोबाइल नंबर पे लिंक द्वारा वल्गर मैसेजेस, फोटोज़ और वीडियोज़ भेज रही है। मामला दर्ज होने के बाद हमने ये पूरे जो नंबर्स हैं, जो लिंक्स और जो भी इंटरनेशनल और कोई यहाँ की जो नंबर्स हैं, हमने साइबर सेल, हमारा जो ठाणे सिटी का साइबर सेल है, वहाँ पर भेज दिया था। एक 1.5 महीने के पूरे तफ्तीश के बाद घनसोली का रहने वाला जीतू केवट नाम का एक लड़का और अपने दो फोन यूज़ कर रहा था, उसी फ़ोन के द्वारा वो जो SMS कोई वीडियोस और फोटोज़ भेज रहा था, उसको हमने कल CBD बेलापुर से गिरफ्तार किया है। सर, ये जानकारी आ रही थी कि उस लड़के ने लड़के का मोबाइल हैक कर लिया था और उसके साथ जो लड़के के परिजन हैं उन लोगों का भी मोबाइल हैक करके जो है वो अश्लील बातें और मैसेजेस भेजता था। अभी तो लड़का गिरफ्त में आया है, तफ्तीश के पास पता चलेगा, लेकिन जो लड़की ने बता दिया था वो सही है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए हैं, उनके रिश्तेदारों को और कुछ कलीग्स को भी ऐसे मैसेज जाते थे। अभी 2 तारीख तक उसकी रिमांड है, रिमांड में पूरा पता चलेगा, जो भी टेक्निकल बातें हैं और फिर फॉरेंसिक से भी हम लोग जो भेजेंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि असल में मामला क्या है। लड़की का कहना सर कि करीब 1 साल से 1.5 साल तक हमारे पास ऐसी आई थी कि तकरीबन 1 साल से वो उसको परेशान कर रहा था और जब ज़्यादा ही हो गया तो जून महीने में लड़की ने यहाँ आकर कंप्लेंट किया था। लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, क्या कुछ क्राइम रिपोर्ट है उसका या नहीं? लड़का कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है, दिमाग वाला है, लेकिन जो भी उसने पढ़ाई सीखी उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि टेक्निकल एविडेंसेस उसके खिलाफ है, टेक्निकल एविडेंस आते ही हमने उसको गिरफ्त में लिया है। क्या क्या धाराएं लगी है उसके ऊपर? इसमें 354 जो है उसमें के ए, 354D और IT एक्ट के सेक्शंस लगे उसके ऊपर, 67 और 67A। मोबाइल हैक करके लड़की को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में जीतू केवट पर 354A और D, साथ ही IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार किया गया है और इसे कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से 2 अगस्त तक इसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।